हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 130% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 20% के आसपास। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड एंड मिल लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वो वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके क्राफ्ट के लिए पेपर मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोग कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 211 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 14.4 की PE है। 11.1% है ROCE एंड 5.85% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20.1% के आसपास की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर में ही ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 130.65% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोज में जो पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था एंड सेकंड पॉइंट भी मैंने आप लोगों को ऊपर ही दिखा दिया था कि कंपनी अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में कम है। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में कम है। एंड लास्ट 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास कम हुई है कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ 78 लाख रुपीज़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी ये कंपनी प्रॉफिट देने वाली है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट में आप लोग 17 से 18 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है कंपनी में, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास। मतलब कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट है एंड बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी सही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मार्च क्वार्टर लेके अपडेटेड है एंड मार्च की क्वार्टर में FIS ने अपना जो होल्डिंग है वो 0.1% कम किया है। अगर पब्लिक में देखा जाए तो बहुत सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास की निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 34.6% है इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते थे। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा सिंपली कंसिडर करके चल सकते हो सकता है प्रॉफिट दे दे, हो सकता है ना दे, 50-50 चांसेस है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं यही बोलूंगा, देखो अगर 1 से 2 साल के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप लोग बाय करके चल सकते हो। बहुत ही सही कंपनी है, बैलेंस शीट के जो हेल्थ है वो भी काफी सही है एंड उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, मतलब 5-10 साल या तो फिर लाइफ टाइम के लिए अगर बाय करके चलना चाहते हो तो लाइफ टाइम के लिए मैं आप लोग को यही बोलूंगा कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कि 10 साल बाद ये कंपनी प्रॉफिट देगी या नहीं। बाकी कंपनी की जो ये बिजनेस की कंसेप्ट है वो बहुत ही सही है। वेस्ट पेपर रिसाइकिल भी कर रहा है एंड रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 से 10 साल के लिए तो फिर लाइफ टाइम के लिए आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। और रही बात 1 से 2 साल के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को बाय करके चल सकते हो। 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत ही सही रिटर्न मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज इस कंपनी में 27,687 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 12.81 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है।
1383 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 45.25 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 51.5% के आसपास के निकल के आ रही है, मतलब स्लाइटली जो है आज वो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। और वॉल्यूम की अगर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो वो मॉडरेटेड रहने वाली है, ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक। अभी हम लोग को यही देखना है कि जो 27,687 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 3.93% डाउन थी एंड 45 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये एवरेज से बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आई है, एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी कुछ खास नहीं है, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेटेड रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है ये है 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको आप लोग एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी आप लोग बोल सकते हो। अभी अगर स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 45 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है, इसको रेस्पेक्ट करके अभी यहां से सपोर्ट ले रही है कंपनी। तो अगर ये कंपनी 45 रुपए के लेवल से सक्सेसफुली सपोर्ट ले लेती है और अगर यहां से एक बाउंस बैक शो कर देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 53.75, 62.05 एंड 71.8 रुपीज। और रही बात अगर यहां से स्लिप कर जाती है तो क्या करना है, तो देखो गाइस अगर यहां से स्लिप कर जाती है तो उसके नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो 38 रुपीज़ 38 रुपए के आसपास की निकल के आ रही है। तो जब कंपनी यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक देगी तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट 45 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा 53.75 का और थर्ड टारगेट होगा 62 रुपीज़ का। और अगर बाई चांस यहाँ से भी स्लिप कर देती है तो सेम करना है आप लोगों को, यहाँ से बाउंस बैक के टाइम बाय कर लो, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये, सभी के सभी लेवल्स आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाई दूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पर नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।